यूट्यूब लोगों, मैं तो भूल ही गई थी कि मैं आज चिकन बना रही हूँ। अभी रात के 8 बज रहे हैं, ये देखिए 8:10 है और मैं यहाँ डिनर प्रिपेयर कर रही हूँ। डिनर प्रिपेयर होगा तब तक आप लोग फ्लैशबैक में जाके, आज का दिन सैटरडे 7 तारीख, ठीक है 7 तारीख, आप लोग जाके देखिए कि आज घूमने क्या गई थी। बेसिकली पता करने के लिए गई थी कि यहाँ पे ग्रोसरी वगैरह कहाँ शॉपिंग की जा सकती है, ठीक है बहुत दूर है कुछ है नहीं, तो ऑनलाइन ही ऑर्डर होता था। और जाके कुछ ऑप्शन मिल गया, रिलायंस मार्ट मैंने देखा, मॉल नहीं दिखा रहा था गूगल पे, तो फिर मैंने सोचा कि जाके देखती हूँ। गई मैं वहाँ और वहीं की क्लिपिंग्स हैं जो आज के पूरे एपिसोड में आपको देखने मिलेगा। फिर वो देख लेने के बाद आप ये देखिएगा कि बनने के बाद ये कैसा लगा, ठीक है ओके टाटा बाय बाय। ये चिकन रेडी है, ये फ्राई हो जाएगा, ये ग्रेवी अलग से बनाया मैंने, इसको इसमें डाल दूंगी, उसके बाद चिकन इसमें डालूंगी, बन जाएगा। फिर राइस और चिकन हम लोग खाएंगे डिनर में। ये सेक्टर 85 में त्रिहान आयरिस है मॉल, ये भी थोड़ा कुछ टाइम पहले ही खुला है, जस्ट खुला है शायद, ठीक है। और इसके साथ में एक ये भी त्रिहान का ही है, त्रिहान आयरिस ही है। इसमें स्टारबक्स है और बैंक्स है, कमर्शियल है, बाकी अंदर चल के देखते हैं। यहाँ की एक ब्यूटी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ऊपर वाले फ्लोर पे जाने के लिए जो स्टेयर्स बना है वो ओपन स्टेयर्स है। कितना अच्छा बना हुआ है, फॉर अ चेंज ये बहुत अच्छा मॉल है। हम लोग बैक साइड पे खड़े हैं और ये देखिए पीछे सरसों का खेत दिख रहा है और वो सोसाइटीज दिख रही हैं, बहुत अच्छा है। दादी सती चौक से बिल्कुल सामने में ही है, दादी सती चौक पर ही है, इवन दूर नहीं है, मेरे ख्याल से 100 मीटर की दूरी पे होगा, 100 या 50। ब्रांड्स भी अच्छे अच्छे हैं, जैसे आपका हो गया DIY है, मिस्टर DIY और मैक्स है, रिलायंस मार्ट है जो बेसिक डेली यूज़ का सारा सामान मिल जाएगा यहाँ पे। मैं तो भूल ही गई बताना कि यहाँ पे KFC भी है बिल्कुल कॉर्नर पर। ये रहा फर्स्ट फ्लोर पे हमारा DIY, देखते हैं कितना बड़ा है। यहाँ फिर से सरसों का खेत सोसाइटी, और ये रहा दादी सती चौक। अच्छा, क्या आप लोगों को मेरे पीछे DIY नज़र आ रहा है? आ रहा है ना, ये है दादी सती चौक पर ही मॉल, आयरिस मॉल, और यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली सब चीज़ें मिल जाती हैं। मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ पर है मॉल, मैं क्योंकि दादी सती चौक से आगे नहीं आई थी, नर्सरी आती थी। तो यहाँ पर मैक्स मिल जाएगा आपको, DIY मिल जाएगा, हल्दीराम मिल जाएगा, KFC मिल जाएगा, और काफ़ी कुछ मिल जाएगा। मुझे तो खुशी हो रही है क्योंकि मुझे दूर जाना पड़ता था, पर ऑल ओवर यहाँ पर ठीक है। जैसे या तो सफायर मॉल जाइए या वाटिका, भी हम लोग पीछे गए थे वाटिका, तो उसमें भी कुछ खास नहीं था, वहाँ तो शॉप्स खुली नहीं है और कॉस्टली भी एरिया बहुत ज़्यादा है। ये वाला ठीक है, ये सेक्टर 85 में पड़ता है और आप यहाँ पर आके ले सकते हो। और इसके साथ में एक और आइडिस मैंने जो स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, स्टारबक्स ये सब आप जाके देखना पड़ेगा, वो हम लोग दूसरे विजिट में दिखाएंगे। और ATM भी है यहाँ पर, और फूड चेन तो है ही, आपको मिल जाएगा। और तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए कि अगर आपको हल्दीराम मिल गया, KFC मिल गया, और डेली यूज़ के लिए आपको ग्रॉसरी ये सब चाहिए होगा, तो नीचे रिलायंस मार्ट है तो उससे भी हम लोग ले सकते हैं। फैब इंडिया भी है यहाँ पर, फैब इंडिया के अलावा टॉयज़ के लिए, बच्चों के लिए है, मतलब ऑल ओवर फैमिली के लिए जो चीज़ चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है या एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है, पास में मिल जाएगा। मुझे लग रहा था मैं वीराने में आ गई हूँ, पर ऐसा नहीं है। तो चलिए अब DIY चल के देखते हैं क्या क्या है और एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ के मैक्स के ट्रायल रूम में मैंने ये कुर्ता लिया है और कुछ DIY से सामान लिया है। आज रोज़ नहीं आई है तो रोज़ के लिए मुझे कुछ लेना ना, तो केक या पेस्ट्री ले लेती हूँ, खुश हो जाएगी, ऑल द टाइम लेके जाती हूँ। कहते हैं ना, जब भूख लगती है तो कुछ याद नहीं रहता। हम लोगों ने इतना सब कुछ खा लिया, वड़ा पाव खा रहे हैं, डोसा खा चुके, मसाला डोसा, छोले कुलचे खा चुके हैं और वड़ा पाव खा रहे हैं, उसमें मैं डाल रही हूँ गन पाउडर, मुझे बहुत अच्छा लगता है खाने में, मज़ा आता है। और मिर्च मैं भूल गई रिकॉर्डिंग करना, खाने में बिजी हो गई। ये देखिए कॉफ़ी रखी, मुझसे बड़ा पेटू तो कोई होगा नहीं, खा खा के बुरा हाल हो गया, अरे बेबी मेरे पेट में जाने वाला ये। रोज़ ना जिद में नहीं आई, उसको मैं लेकर आऊँगी, खुश हो जाएगी यहाँ पर आके। शाम में कितना सुंदर लग रहा है, प्लांट्स भी ढेर सारे लगे हुए यहाँ पर,
इतना सुंदर प्लांट है, हम लोग लौट से क्यों नहीं आए? ये है त्रिहान आइरिस मॉल, इसके राइट मतलब मेरे राइट वो भी त्रिहान आइरिस है, उसमें स्टारबक्स है, उसमें हम लोग नहीं गए, नेक्स्ट टाइम जाएंगे। और ये लेफ्ट साइड है, यहाँ सोसाइटी है। ये हीटर बंद करना पड़ेगा, अभी आवाज करता हूँ। अभी फिलहाल रोज को खाने के लिए दे दिया जाए, रोज को दिखाने से पहले आप लोगों को दिखाना पड़ता है, जरूरी है, तो आप लोग नाराज हो जाओगे ना। अब मेरी रोज ना नाराज हो जाए, इसलिए उसको मेरा खाने के लिए दे देती हूँ मैं निकाल के, है ना। और ये कुछ स्टेशनरी का सामान, जरूरत का जितना नीडी था वो सब ले लिया। ये है रोजी के खाने के लिए, लंच नहीं किया ना इसलिए लंच हो ले। अभी कुलचे गर्म कर दो इसको, इसमें प्याज आ जाओगा। अब ये तुम खा लो, हमारे लिए कौन चीज निकाल लेती हूँ, जाओ लो खाओ। तो तक मैं तुम्हारे लिए कौन चीज निकालता हूँ, देखेगा क्या क्या देखेगा क्या क्या देखेगा क्या। एक ए, एक जो मैं ले रही थी ना वो कोई और ऑर्डर कर दिया था, एक ही बचा था वो कपकेक, ओरियो कपकेक, ये जो भी है, और तुम्हारा एक और है। अब क्या है, एक बार मैं नहीं खाऊंगा। अरे खुल जा सिमसिम, रेनबो केक ये खाएगा कि ये वाला खाएगा, ये तो अभी कौन सा खाएगा। याद है एमएस मॉल में हम लोग ये खाए थे, और ये हल्दीराम का मतलब वो है समझ लो सिग्नेचर डिश। हाँ डेजर्ट में तो ये रहता ही रहता है। कितना यम्मी लग रहा है, तुमको भी खा जाऊंगा। रोजी जो है ना बदमाश हो गई। हेलो पीपल, हेलो पीपल, ये रहा हमारा डिनर, सैलेड चिकन राइस और वो रोज का प्लेट और वो रोज का बदमाश चेहरा, बहुत बदमाशी कर रही है सुनती हूँ। चलिए अब हम लोग जरा गुड नाइट बोले आप लोगों को, यहाँ चल रहा है हीटर क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। ए चिक चिक चिक, चिक।